नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई खतरनाक मैटर पे। आप मैटर खतरनाक ही समझ सकते हैं कि यार लोग इतनी तस्करी के चक्कर में इतना अपना जो जान है ना, जो ऊपर वाला एक बार बख्शता है जिंदगी में, एक बार जन्म मिलता है, बाद में पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, उसी में भी इतना रिस्क लेते हैं कि जान पे खेलने की बाजी लगा देते हैं। जी हाँ, तस्करी के मामले में एक बंदा अपने बॉडी के अंदर 42 लाख रुपए का गोल्ड लेके मणिपुर इम्फाल एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। जी हाँ, दूसरा बंदा सोने की बेल्ट बनवा के एयरपोर्ट पे पकड़ा गया पंजाब में। जी हाँ, तीसरा बंदा अमेरिका से आ रहा था, गोल्ड लेके पकड़ा गया। देखिए जी क्या जमाना आ गया है, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक शख्स था, बता दूं, दुबई से जो बंदा चल के मणिपुर इम्फाल एयरपोर्ट पे पहुंचता है। जी हाँ, अब आपको पता है यार 900 ग्राम गोल्ड, लगभग 1 किलो गोल्ड है और पिछवाड़े में डाल के बंदा चलेगा तो पता तो लगता ही है ना कि इसके कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको पता है इमिग्रेशन अधिकारियों की एक एक बंदे पे नज़र होती है कि उनकी चाल ढाल, उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनका रंग जो है ना, सिस्टम कैसे चल रहे हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि जो गलत करके आता है ना, वो कितना भी बड़ा साथी रोग कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम उसको होती है, उसकी बॉडी बता देती है कि हाँ प्रॉब्लम है। तो वो चलने में उसको दिक्कत आ रही थी साथियों, तो बता दूं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने भाई उसको साइड में कर लिया और उसको वहाँ लेके गए जहाँ पे जांच होती है शक के आधार पे। तो जांच होती है तो भाई उसको पूछा गया तो पहले तो मना किया, फिर आपको पता भाई उनको शक हो जाता है तो जो सही इज्जतदारी से नहीं बताता तो उसको सख्ता ही करते हैं, सख्ता ही की तो भाई वो बंदा टूट गया। बता दूं सोने को एक इस तरह से बनाया, 4 पैकेट बनाए पेस्ट टाइप के बना के गोल गोल करके और उसको अपने मलाशय में डाल लिया। जी हाँ, और आप समझ सकते हैं कि 900 ग्राम गोल्ड अपनी बॉडी में डाल के वो चल के फ्लाइट में बैठ के और मणिपुर इम्फाल एयरपोर्ट पे पहुंच भी गया। जी हाँ, एक्सरे में उसको देखा तो बॉडी का जो नीचे का पार्ट है उसमें कुछ चीज़ें दिख रही थी अंडे टाइप की। जी हाँ, उसकी मेडिकल जाँच की तो खुलासा होना ही था साथियों, आपको पता है। फिर आपको पता है भाई ये चीज़ अब डालना जितना ईजी होता है उतना निकालना भी उतना मुश्किल होता है, डॉक्टरों को बुलाना पड़ा। आप सोचिए 42 लाख रुपये का गोल्ड एक बंदा अपनी शरीर में डाल के ला रहा, पकड़ा गया, अखबार में नाम आया, फोटो आया, अलग ही हम यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे हैं, अलग बात है, बाकी ये सच्चाई की बात है। उनके रिश्तेदारों को पता लगा, सबको पता लगा, एयरपोर्ट में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में उसका रिकॉर्ड आ गया, मुकदमा लगेगा, जेल जाना पड़ेगा। अब सोचिए गोल्ड भी जब्त हो गया, गोल्ड नहीं मिलने वाला वापस। ये देखिए 20 लाख से ऊपर गोल्ड होता ना वो गवर्नमेंट में चला जाता, कुछ नहीं मिलने वाला उसका, ठीक है ना। दूसरा बंदा दुबई से आता है पंजाब का जो अमृतसर एयरपोर्ट है, गुरुदास एयरपोर्ट। जी हाँ, वहाँ पे बंदे ने देखिए कितनी चालाकी की, 600 ग्राम गोल्ड की एक पेंट जो है ना बेल्ट बनवा ली, बेल्ट पहन के बंदा आ रहा था, इमिग्रेशन की नज़र पड़ी, पकड़ लिया साइड में, आ जा भाई तू भी आ जा, गोल्ड उसका गोल्ड जब्त कर लिया गया पूछताछ के लिए, पुलिस उसको लेके गई। तीसरे केस की तो यूएस से अमेरिका से बंदा आ रहा था, फ्रांसिस्को से बंदा आ रहा था, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गया, दिल्ली एयरपोर्ट से उतर के अमृतसर फ्लाइट के लिए जाना था। जी हाँ, वहीं उसकी चेकिंग की गई तो उसके पैकेट से एक बिस्किट मिला। अब बिस्कुट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बट भाई देखिए गलत तो गलत है, 13 लाख रुपए का गोल्ड था, उसको भी पकड़ लिया गया, जांच के लिए बिठा लिया गया, गोल्ड जब्त होगा या टैक्स लेंगे वो तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। जी हाँ, तो साथियों इस तरह की जानबूझ के लोग करते हैं, जो गोल्ड लेके आते हैं 100% मान के चलिए जानबूझ के हरकत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पकड़े जाएंगे लेकिन दिल है कि मानता नहीं, क्या कर सकते हैं। तो आप अगर ये जानकारी रखते हैं, आपको खुद को भी लेके आना है या कोई लालच देता है तो भाई ईमानदारी से टैक्स दे के लाओ, सीधी बात यह है। अगर टैक्स लेके नहीं आओ तो इंडिया में भी बराबर या कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, टैक्स देने के बाद इंडिया में बराबर हो जाएगा वो, तो इससे बढ़िया कि इतनी वहाँ से खरीदोगे, रिस्क लेके आओगे, इंडिया में खरीद लो, फिर बात तो बराबर ही है ना, इंडिया का पैसा इंडिया में तो रहेगा ना कम से कम। तो इन चीज़ों को सावधानी बरते, सतर्क रहिए और लालच मन आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।